तो एवरी वन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे PT 365 IR का जो ये पार्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स का। सबसे पहले इसमें हमें बता रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। तो देखिए, US ने जो है विड्रॉ कर लिया है 2015 की जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी। इसका नाम एक तो ईरान न्यूक्लियर डील है जो हम लोग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर UPSC क्वेश्चन पूछेगी तो कभी नहीं बोलेगी कि ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ये लोग हम देखना, अगर आता है क्वेश्चन तो यही देंगे जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA क्या है। तो ये देखिए एग्रीमेंट है, 2015 में हुआ था बिटवीन ईरान और 6 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, P5 प्लस जर्मनी प्लस EU। तो परमानेंट 5 जो कंट्रीज हैं, एक तो US, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, हाँ, और जर्मनी और EU, इन सब ने मिलकर के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ये बनाया था। इसमें क्या था कि ईरान जो है वो जो इसका न्यूक्लियर प्लान चल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का, उसको वो नहीं करेगा और डिले कर देगा उस प्लान को, और अपना कंट्री में जो है आप वहाँ पे चेकिंग वगैरह करने देगा। ये सारी के सारे अग्रीमेंट हुए थे। तो इस अग्रीमेंट में देखिए ईरान ने अग्री किया था एलिमिनेट कर देगा जो भी उसका स्टॉक है मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम का। यूरेनियम से ही न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल या वेपन वगैरह बनाए जा सकते हैं, और स्टॉक जो है लो एनरिच्ड यूरेनियम का उसको 98% तक रिड्यूस कर देगा, और ऑलमोस्ट 2/3 जो है उसके गैस सेंट्रीफ्यूज जो है वो, मतलब ये सारी के सारे जो एग्रीमेंट था ना, ये 13 ईयर्स के लिए था। तो US इसी बात को कह करके बाहर हुआ है कि ये तो सिर्फ 13 साल के लिए एग्रीमेंट है, 13 ईयर्स के बाद क्या, इस टाइप से। तो ईरान को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको एक्सेस रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, मतलब जब भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये चाहेगी तो वो ईरान में जा कर के चेक कर सकती है, और अगर ईरान रिफ्यूज़ करेगा कि तो मतलब हम नहीं चेक करने दे रहे हैं, तो प्यूनिटिव स्टेप्स, मतलब कुछ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि सैंक्शंस का इम्पोज कर देना, अगर वो सब होता मेजॉरिटी वोट के थ्रू। ये सब इसमें प्लान था, मगर US ने विदड्रॉ कर लिया है इस ट्रीटी से, और रीज़न दिया है कि ये जो टारगेट है ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं वो बियॉन्ड 2025, इसके बाद इसका क्या होगा, और जो ईरान का जो रोल है यमन और सीरिया में जो वो वहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका क्या, ये सब कह करके उसने US ने बाहर कर लिया है खुद को, और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, और ईरान से ट्रेड करने वाली दूसरी कंट्रीज़ पे भी वो सैंक्शन लगा रहा है। अब मतलब कुछ टाइम के लिए तो अब तो ये रेलेवेंट नहीं है इस टाइम ये वाली चीज़, क्योंकि 8 देशों को जैसे कि जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना वगैरह, तो ईरान के सैंक्शंस मतलब लगे हुए हैं। इन 8 कंट्रीज़ को कुछ टाइम का वेवर दिया हुआ था कि हम नहीं लगाएंगे, मगर अब जो है कहा है कि May 1st से जो कंट्रीज़ अगर उनके साथ डील करेंगी, जो ईरान के साथ जो भी कंट्रीज़ ऑयल परचेस करेंगी ईरान से, तो US में जो भी कंपनीज़ हैं उन देशों की, उनके जो है अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी सीज वगैरह कर दी जाएगी, तो ये दिक्कत है। तो अब ईरान से शायद इंडिया भी ऑयल इम्पोर्ट करना May 1 से बिल्कुल बंद सा ही कर देगा। फ़ायदा क्या होता था, ईरान से हम लोग सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर पाते थे और हम लोग जो है रुपये में भी पेमेंट कर पाते थे। अब क्या होगा अगर ईरान से हम लोग ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस बात से कि ईरान पे मतलब जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं ईरान से ऑयल ख़रीद रही हैं उन पर जो है अब सैंक्शंस लगेंगे, इस बात से ही शायद कुछ डॉलर्स प्राइस बढ़ चुका है ऑलरेडी, जो फ्यूल का ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, और इंडिया और ईरान के रिलेशंस क्या रही है, सब तो मेन्स की चीज़ें हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि US ने अपने जो है मतलब वापस चला गया है, अब वो इस ट्रीटी में नहीं है। और अब नेक्स्ट आता है कोलंबिया टू जॉइन नेटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बात की जा रही है कोलंबिया के द्वारा ज्वाइन करने की। तो कोलंबिया जो है पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बनेगा, ओनली लैटिन अमेरिकन कंट्री टू जॉइन नेटो। अब नेटो क्या है, सबसे पहले तो नेटो जो है वो जब वर्ल्ड वॉर के बाद वाला जो कोल्ड वॉर एरा जो चल रहा था उसके टाइम पे जो है नेटो फॉर्म किया गया था। इसमें मोस्टली देखिए एक तो US है और US के जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो कोलंबिया को नीड नॉट नेसेसरली हैव टू, मतलब कोलंबिया का ऐसा है कि वो जो मिलिट्री एक्शन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें, फिर भी उसको फुल मेंबर नेटो का बोला जाएगा। और अदर कंट्रीज़ जो अलायंस में हैं विद स्टेटस ऑफ पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब, तो पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब की भी जो हैं नेटो में, मतलब नेटो के वो फुल मेंबर्स नहीं हैं मगर उनको पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब बोला जाता है, तो वो हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जापान और साउथ कोरिया, फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये सारे जो हैं पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब, मतलब जो
दुश्मन देश है यूएसए के, वही निकल रहे हैं मुझसे, तो जापान है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है इसमें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी क्या है, तो इसमें है कि जो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलाइंस है, मिलिट्री जो है उनके बीच में कॉपरेशन रहेगा, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 मेंबर्स हैं इसमें, यूएस, फ्रांस और यूके, और बाकी 26 और कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मेनली इसमें, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़, जिनका एक मिलिट्री अलाइंस होगा। इसमें क्या है, नेटो के जो मेंबर होते हैं कि अगर एक भी कंट्री पर अटैक हुआ है तो जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मानेंगे कि क्या है वो अटैक हम पर है, और सारे नेटो मेंबर्स उस कंट्री पर अटैक कर देंगे जिसने भी किसी भी कंट्री पर अटैक किया है जो नेटो की मेंबर है। तो इससे क्या हुआ है, एक डिटरेंस क्रिएट हुआ है कि इन कंट्रीज़ पे जो नेटो की मेंबर्स हैं उन पर जो है किसी ने मिलिट्री एक्शंस नहीं लिए हैं। और कैस कब बनी थी अलाइंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी 1949 में, उसे ये बनी थी, हेडक्वार्टर इसका हैरन ब्रूसल्स बेल्जियम में, 3 जगह। अब रेडेड न्यूज़ नेटो की, नॉर्थ मैकेडोनिया जो है रिसेंटली 30th मेंबर बना है नेटो का, और ये बालकन पेनिनसुला की एक कंट्री थी जो फॉर्मर यूगोस्लाविया में आती थी, और अब उसका नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया रखा गया है क्योंकि ग्रीस जो है, ग्रीस को प्रॉब्लम थी इस बात से कि मैकेडोनिया का नाम मैकेडोनिया है क्यों, क्योंकि देखिए मैकेडोनिया का एक रीजन है वो जो कि ग्रीस में भी आता है, और जो जैसे सिकंदर था वो यहीं का था, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब द ग्रेट, और पूरे वर्ल्ड पे उसने कॉन्कर करने की कोशिश की थी, तो वो मैकेडोनिया का था, मगर वो ग्रीस वाले रीजन का था, तो मैकेडोनिया नाम से लगता था कि वो वहाँ का होगा, तो इस वजह से जो है नेटो में, ईयू में मेंबर नहीं बनने दे रहा था ग्रीस मैकेडोनिया को, तो फिर मैकेडोनिया और ग्रीस इस एग्रीमेंट पे आए कि मैकेडोनिया अपना नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया रख लेगा। तो इससे क्या है कि अब जो है नेटो का ये मेंबर बनने वाला है। अब OECD इसमें बोला गया है, और इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये प्रमोट करती है पॉलिसी जो इम्प्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिक सोशल वेलबींग लोगों की अराउंड द वर्ल्ड। 36 मेंबर्स हैं इसमें, और वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं मेनली, बट मैक्सिको, चाइल्ड और टर्की भी OECD के मेंबर्स हैं, और इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूछा जाता है ना जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है उसमें मेनली पूछते हैं कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आते हैं इसके एग्ज़ाम में भी हमारे पूछे गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक और इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया, और गोइंग फॉर ग्रोथ, ये तीनों जो है रिपोर्ट्स इसके द्वारा, OECD के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। देखिए सिंगापुर समिट काफ़ी, मतलब इतना चांसेस नहीं है, वैसे पूछा जा सकते कि सिंगापुर समिट क्या थी, तो कहाँ पर किस किस के बीच में थी, तो डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किंग जोंग उन, उनके बीच में जो है ये समिट हुई थी। इसमें जो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे US के और जो है नॉर्थ कोरिया के, बार बार अटैक्स की धमकियां दी जा रही थी, चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये मीटिंग की गई थी कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है, जो बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह करे जा रहे थे ये लोग मिसल्स वगैरह के नॉर्थ कोरिया में, इसको रोकने की बात की जाइए। रिसेंटली जो है रिलेशन को मतलब बेटर करने के लिए इस बात की मतलब ये मीटिंग हुई थी। नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है टू डिस्ट्रॉय इस पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्टिंग जोन, न्यूक्लियर टेस्टिंग जोन जहाँ पे वो टेस्ट करता था, नॉर्थ कोरिया ने मतलब वादा किया है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरे आउटकम ये आए हैं कि US ने कमिट किया है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, मतलब गारंटी दी है नॉर्थ कोरिया को, एंड एंड US साउथ कोरिया जॉइंट वॉर गेम्स, तो मतलब साउथ कोरिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते थे, वॉर गेम्स वही है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वो रहता है छत्तीस का आंकड़ा टाइप का, तो साउथ कोरिया के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती थी US की, तो इससे डर लगता था नॉर्थ कोरिया को कि हम पे अटैक करने की जैसे स्ट्रैटेजी बन रही है, तो US ने वादा किया है नॉर्थ कोरिया को कि हम नहीं करेंगे एक्सरसाइजेज उनके साथ, साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और रीअफर्मिंग द पेनमुनजोम डिक्लेरेशन फॉर पीस, वही सब है इसमें कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला किया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स का फ्यूचर में टेस्ट ना किया जाए, ये सब बातें। कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, देखिए कैस्पियन सी सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहले मैप में देखते हैं कि कैस्पियन सी हमारा पड़ता कहाँ है, तो कैस्पियन सी जो है वो यूरेशियन रीजन में एक तरह से हम कह सकते हैं पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें यूरोप की एक कंट्री रशिया, रशिया का यूरोपियन वाला पार्ट आ जाता है, और इधर से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको कैस्पियन सी बॉर्डर करता है। तो मैपिंग में भी आ सकता है कि कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो कजाकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, और देखिए आएगा ना तो इसमें ये ज़रूर दे देंगे ये लोग, ये वाला जो है उज्बेकिस्तान, मगर उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री किसी भी सी ओशन वगैरह से नहीं लगती है, तो कैस्पियन सी ये है। अब इसमें हुआ क्या है, तो पांचों की पांचों जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने डिसाइड किया है कैस्पियन सी का लीगल स्टेटस। इसमें सब ने मतलब कोलैबोरेट किया है, जो पहले क्या थे सोवियत यूनियन का पार्ट थे मेनली, है ना। अब कोलैप्स होने के बाद जो है इसमें जो सी है कैस्पियन सी, इसमें मतलब नेचुरल गैस भी है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं बाकी, तो उसकी ड्रिलिंग और इसमें पाइपलाइंस डालना, तो ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान ने मतलब ऑयल फील्ड्स वगैरह इसमें हैं, तो किस तरीके से उनको यूज़ किया जाए इसके बारे में बात हुई। तो इस ट्रीटी में डिक्लेयर हो गया बात, मतलब इस बात पे सहमति बन गई कि 15 नॉटिकल माइल, देखिए नॉटिकल माइल जो है वो जो वाटर में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग अपने लैंड पे किलोमीटर या माइल्स में यूज़ करते हैं, तो इसमें 15 नॉटिकल माइल्स जो कंट्री के कोस्ट लाइन से 15 नॉटिकल माइल्स तक सोवरेन वाटर होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का हक होगा। उसके आगे वाला जो होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो फर्दर 10 नॉटिकल माइल। तो 15 नॉटिकल माइल तो सोवरेन वाटर, पूरा हक कंट्री का, और उसके आगे 10 नॉटिकल माइल जो है एक्सक्लूसिव उसका इकोनॉमिक जोन होगा, जिसको फिशिंग के लिए और बाकी दूसरे पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस 15 प्लस 10 25 नॉटिकल माइल्स के आगे वाला जितना भी होगा वो कॉमन वाटर्स होंगे सारी कंट्रीज़ के। अब इस ट्रीटी में कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने एंड किया है कि कैस्पियन सी क्या है, सी है, लेक है, इन्होंने स्पेशल लीगल स्टेटस ग्रांट कर दिया है और क्लैरिफाई कर दी है इन लोगों ने मैरीटाइम बाउंड्रीज हर कंट्री ने। फिर मेजर कंसर्न है इसके क्या कि यूएन क्लॉज जो है वो इस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, और आउटसाइड पावर के पास इसकी एक्सेस क्या है अब नहीं रहेगी, मेनली इन्होंने यही वाला सो एग्रीमेंट किया है। तो हर मेंबर जो है वो इसमें अपनी जो पाइपलाइन है वो ले कर सकता है, और नेबरिंग मगर फिर कंसेंट लिया जा सकता है सिर्फ नेबरिंग कंट्री से, बिना कंसेंट लिए काम नहीं होगा, और बाकी दूसरी कंट्रीज से जो बाकी पांच है उनसे कुछ लेने की परमिशन ज़रूरत नहीं है, अपने पड़ोसी कंट्री से परमिशन जो है एग्रीमेंट करना है साथ में। और ये सी बेड रिजर्व्स विल बी रेगुलेटेड बाय सेपरेट डील्स बिटवीन कैस्पियन नेशंस इन लाइन विद इनलैंड लॉज, मतलब जो सी बेड में रिजर्व्स है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाएगा एग्रीमेंट के थ्रू, सारी कंट्रीज़ जितनी भी अवेलेबल हैं इसके अराउंड, और इंटरनेशनल लॉज जो चलते हैं उसके बेसिस पे ही किया जाएगा। और कैस्पियन नेशन मतलब बाकी जो थर्ड पार्टी अग्रेसर जैसे यूएस या नेटो, ये सारे के सारे जो है कैस्पियन वाटर्स में अब नहीं आ पाएंगे। यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन द लॉज ऑफ द सी, तो सी के लॉज कैसे चलेंगे इस पे 1982 में ये इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी, उसे 4 जेनेवा की कन्वेंशन को रिप्लेस कर दिया था, और इसमें क्या क्या आया था, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सीज, फिशिंग, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज, किस तरीके से सीज में और ओशंस में जो है लॉज चलेंगे वो यूएन क्लॉज ही देखता है। और इसमें वही है कि गारंटी की जाती है 12 नॉटिकल माइल्स जो है कंप्लीट ओनरशिप रहेगी कंट्री की जिस कंट्री के बाहर आ रहा है। फिर 200 नॉटिकल माइल्स को क्या बोला जा रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर कंट्रीज़ की बात करते हैं हम, तो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया जाता है अगर हम ओपन सीज की, वो तो अभी तो हमने कैस्पियन सी की बात की थी, वो तो सिर्फ एक लैंडलॉक्ड सी वाटर बॉडी है तो उसकी अलग है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है ओशंस में तो उसमें 200 नॉटिकल माइल देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसमें 3 न्यू इंस्टीट्यूशन इस कन्वेंशन के थ्रू बने थे, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो जाए अगर तो कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा हो जाए तो ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सी बेड अथॉरिटी बनाई गई थी, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कितनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, गैस, फिशेस सब यहीं पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब जो यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटर्स, उन्होंने अपील किया है 8 नेशंस को इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए रेटिफाई कर दो, कि भाई CTBT को रेटिफाई कर दो, बट इंडिया जो है इंडिया ने रेटिफाई नहीं की है, क्यों, क्योंकि इंडिया कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है काफ़ी ज़्यादा, और 1996 से जब से आई थी इसमें क्या है कि बोलती है कि पहले जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उन्होंने टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर, ठीक है, मगर उसके बाद जिन्होंने भी किया वो इलीगल है, तो और आप आगे ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी बोलते हैं, और कंप्लीट डिसआर्ममेंट, जिसके पास है न्यूक्लियर वेपन वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसलिए जो है इंडिया इसको नहीं मानता है, मतलब इसको साइन नहीं करता, रेटिफाई नहीं करता है। फिर CTBT क्या है, वैसे मैंने बता ही दिया है, देख लेते हैं कि मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बैन करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल पर्पसेस, मतलब आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे,
कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जेनेवा में इसको जो है नेगोशिएट किया गया था 1996 में, और काफ़ी वाइडली सपोर्टेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है ये। 183 सिग्नेटरीज हैं इसके और 163 ने रेटिफाई कर दिया है। जिन्होंने साइन किया है इस ट्रीटी को, रेटिफाई किया है, वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट नहीं करेंगे। किस किस ने नहीं किया है इसको साइन, तो चाइना हो गया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और यूएस, जिनके पास ऑलरेडी वेपन्स हैं उन लोगों ने नहीं किया है। वही वही है इसमें, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये बता रहे हैं कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि आप मतलब दोबारा बनाएंगे नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को, यही है। तो ये वही प्रमोट करना पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और डिसआर्ममेंट, कि आप जिनके पास है आप हटा दीजिए। इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया जो है, साउथ सूडान, साउथ कोरिया नहीं, साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ये जो है एनपीटी के सिग्नेटरीज नहीं है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का साइन हुआ था, बट फिर से जो है इंडिया और अदर न्यूक्लियर आर्म नेशन जितने भी हैं किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स, ये ऐसे रीजनल एक अप्रोच है कि स्ट्रेंथन किया जाए, कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट किया जाए ताकि वर्ल्ड में पीस लाई जा सके। तो इसमें 5 जोन्स आते हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए गए हैं। इंटरनेशनल सॉरी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, तो देखिए बहुत कोल्ड वॉर एरा की यूएस और रशिया की ट्रीटी है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। 1987 वाले टाइम में इसको साइन किया गया था। इसमें जो है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, तो इंटरमीडिएट रेंज की जो लैंड वाली जो मिसल वगैरह थी ना वो नहीं बनाते ये लोग। इसमें कंट्रोल ट्रीटी थी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी ये, इसके अंदर ये डेवलप किया गया था कि ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसल जो जिसकी रेंज होगी 500 से 5,500 किलोमीटर के बीच में वो नहीं बनाएंगे, मगर सी वाली एयर वाली जो है मिसाइल बना सकते थे। अब विड्रॉ इसमें ये भी था क्लॉज की 6 मंथ का आप नोटिस दे करके कोई भी जो कंट्री है, दो ही कंट्री हैं इसमें, यूएस और रशिया, विड्रॉ कर सकते थे। तो यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद फिर रशिया ने भी इससे विड्रॉ कर लिया है। यही था इसमें। अब हाँ, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो सॉल्ट है, ये यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था, जिसमें वेपन के बनाने पे कंट्रोल करने की बात कही गई थी। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वही कि आर्म्स को रिड्यूस किया जाए, बहुत ज़्यादा वेपनाइजेशन ना हो, तो स्टार्ट वन स्टार्ट टू यूएस और सोवियत यूनियन के बीच की ट्रीटी है। और ब्रेग्जिट जो है देखिए बहुत टाइम से चल रहा है, 2016 से इशू चल रहा है, अभी तक ब्रेग्जिट फिर भी हो नहीं पा रहा है। 2019 की डेडलाइन जो थी वो भी मिस हो गई, मार्च वगैरह की थी, तो नेगोशिएट डील्स वगैरह करने की। तो ब्रेग्जिट क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है उससे बाहर निकलना, यूएस कह रही हूँ, यूरोपियन यूनियन से यूके का बाहर निकलना, यूरोपियन यूनियन से यूके का बाहर निकलना ही ब्रेक्सिट है, ब्रिटेन का एग्जिट ब्रेक्सिट। आर्टिकल 50 और जो है लिस्बन ट्रीटी का वो इन्वोक करता है, 29 मार्च 2019 तक निकलना था, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया, एक्सटेंड कर दिया गया है इस डेट को, फिर से दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑन ब्रिटेन के विड्रॉल के यूरोपियन यूनियन में लीगली बाइंडिंग जो है टर्म्स, यूके के डिपार्चर की बात की जा रही थी, टर्म्स क्या क्या होंगे इसमें, कि डिपार्ट होगा, निकलेगा बाहर तो क्या क्या रहेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में कभी नहीं पूछा जाएगा कि यूके की जो टर्म्स थी यूरोपियन यूनियन के साथ, कि उसके सिटीजन्स जो हैं जो रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, उनकी फैमिलीज़ भी आ पाएंगी वहाँ पे, काम कर पाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप है 28 यूरोपियन कंट्रीज़ की, और मैस्ट्रिट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, जो कि एंटर हुई थी फोर्स में 1993 में, और जिसकी वजह से मेनली यूरोपियन यूनियन बनी थी। फिर इससे क्या हुआ था, सिंगल यूरोपियन करेंसी यूरो अडॉप्ट की थी, और इनका एक अपना सिंगल ही सेंट्रल बैंक इन लोगों ने बना लिया था। और फिर ईयू की सिटीजनशिप टू एवरी पर्सन विद सिटीजनशिप ऑफ मेंबर स्टेट, तो ईयू की यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप ग्रांट की गई, उस देश की तो है ही उनके पास। इंस्टीट्यूशनल सेटअप यूरोपियन काउंसिल है, इसमें सारे मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड MEPs जो होते हैं रिप्रेजेंट यूरोपियन सिटीजन्स इन यूरोपियन पार्लियामेंट, तो यूरोपियन यूनियन में जो है इलेक्शंस भी होते हैं इनके, और यूरोपियन कमीशन भी है, और फिर इसमें काउंसिल भी है, नेशनल इंटरेस्ट इन द काउंसिल, कंट्री के ओन नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो सर्व करने के लिए। इंडिया ईयू की जो है समिट हुई थी लिस्बन में 2000 में, और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थी, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए इंडिया ईयू 2004 में, और
इन्होंने जॉइंट एक्शन प्लान 2005 में बनाया था, फिर जो उसको रिव्यू किया गया 2008 में। फिर वही है इंडिया ईयू की मतलब जो रिलेशंस को बूस्ट करने की 13 समिट हुई थी मार्च 2016 में, और फिर ईयू एजेंडा 2020 जो ले डाउन किया गया, इसमें वही कॉपरेशन बढ़ाना और कम्युनिकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी बातें। ईयू जोन क्या है? अब ईयू जोन सारी की सारी कंट्रीज़ का एरिया है जो कि ईयू के अंदर आती हैं, और 2018 के अंदर जो है मतलब पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं ईयू ने, ईयू में, और इनकी जो नेशनल करेंसी है वो भी यूरो है। ये है यूरो जोन, और मतलब इनकी जो नेशनल करेंसी है यूरो जोन वाली कंट्रीज़ की वो यूरो होती है। 19 कंट्रीज़ हैं ये, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया वगैरह, ये लिखा हुआ है इसमें। और शेंगेन एरिया जो है 26 यूरोपियन स्टेट जो है जिन्होंने ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया कि आपको पासपोर्ट नहीं बनाना पड़ेगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली, बाउंड्रीज जो हैं बॉर्डर्स उसमें बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बिना पासपोर्ट के आप ट्रैवल करेंगे। वही शेंगेन अग्रीमेंट के थ्रू हुआ था 1985 में। शेंगेन जो है प्लेस है लग्जमबर्ग में। अब 22 जो है यूरोपियन कंट्रीज 28 में से वो इसकी जो है मेंबर्स हैं। अब EFTA भी है, एक है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया जो आइलैंड, आइसलैंड, लीशनस्टीन और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जो कि ईयू के मेंबर्स नहीं है मगर यूरोपियन फ्री ट्रेड रीजन के जो है एसोसिएशन है उसके मेंबर्स हैं। वेनेजुएला क्राइसिस में, वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही हाइपर इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे क्या हो रहा है कि हेल्थ और मतलब हेल्थ क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड जो है यूएन की जनरल असेंबली का, वहाँ पर जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर यूज़ करने की बात की गई है। इसमें क्या है 126 जो यूएन के मेंबर्स हैं ऑब्जर्वर जो है सपोर्ट रिसीव करते हैं वेरियस गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट डोनर्स वगैरह से। तो मतलब बेसिकली ये है वेनेजुएला में सेंट्रल इमरजेंसी फंड जो होता है यूएन का, उसको यूज़ करने की बात की जा रही है। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रमोट अर्ली एक्शन रिस्पॉन्स टू अवॉइड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के डेंजर में ना आए लोगों की, उसके लिए इसको बनाया गया था। अब इसको यूज़ किया जा रहा है वेनेजुएला में। तो साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ बता रखी हैं, देखिए ये ब्राज़ील है, और यहाँ पे ये देखिए वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो काराकस है, ये है इसमें। अब नेक्स्ट आता है प्लेसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिटीज़ अफेक्टेड। तो US प्लान कर रहा है विड्रॉ करने का अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान और सीरिया से, और जो है UN की मैंडेटेड सीज फायर हो गया था हौती रिबल्स जो थे यमन में, और प्रेसिडेंट हादी की फोर्स थी। तो मतलब यही है इम्पॉर्टेंट क्योंकि हो जाता है, पिछले साल पूछ लिया था UPSC ने प्लेसेस जो थे उनको मैच कराने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब जनरली आते ही रहते हैं। तो जैसे उसमें एक अफगानिस्तान को मैच करना था, अफगानिस्तान के साथ मज़ार शरीफ था, और शायद एक यमन की कोई कंट्री थी। तो देखिए यहाँ पे भी अफगानिस्तान में क्या हुआ, पश्तून कम्युनिटी जो कि ट्राइबल इंसर्जेंसी है मेनली रेस्ट्रिक्टेड है इस वाले एरिया में, तो मज़ार शरीफ जो है प्लेसेस इन न्यूज़ अफगानिस्तान में है, और लेबनन में त्रिपोली, बेरूत ये न्यूज़ में है, और सीरिया में जो है एलेप्पो, पलमायरा, राका, और इराक में है किरकुक और मोसूल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एलेप्पो कहाँ पे है, पलमायरा कहाँ है, राका कहाँ है, तो ये देखिए सीरिया में है, और इराक में क्या क्या है, किरकुक और मोसूल, और यमन सना जो इसकी कैपिटल सिटी है हाउती जो है बिलोंग करते हैं यहाँ पे ज़ैदी ट्राइब से। तो ये वाला हमारा हो गया। अब थोड़े इसके हम लोग देख लेते हैं इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी वाला जो है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है नया एयरबेस INS कुहासा जो 100 miles नॉर्थ में है पोर्ट ब्लेयर के, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। देखिए ये इंडिया की फोर्थ एयरबेस होगी और थर्ड नेवल एयर फैसिलिटी होगी आर्किपेलागो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्किपेलागो का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं इसमें अंडमान में। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इंडिया की सिर्फ एक लौती ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड का मतलब है कि यहाँ पे लैंड, सी और एयर तीनों की तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट और भी इसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि 2017 में आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई थी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए आइलैंड का, जो फोकस करती है कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पे, और फर्स्ट फेज़ में जैसे कि जो ये रॉस, स्मिथ, एव्स, लॉन्ग आइलैंड है, इन सब में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई। अब जॉइंट लॉजिस्टिक नोड में इसमें ट्राई सर्विस कमांड जो है एयर, वाटर और लैंड, इसमें मतलब ये लोग लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक मतलब होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा, डिफेंस सर्विसेज को, और इम्प्रूव किया जाएगा जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर हैं, और डुप्लीकेशन को रिमूव किया जाएगा। यही सारी इसमें बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट अब ये आता है, रीनेमिंग ऑफ थ्री आइलैंड्स, तीन आइलैंड्स के नाम बदले गए हैं। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है रॉस आइलैंड का नाम, और यहाँ पे दे रखा है हमें, देखिए अच्छे से काफ़ी, कि किस तरीके से आइलैंड्स के नाम चेंज हुए हैं। यहाँ पे स्वराज द्वीप हो गया है हेवलॉक, हेवलॉक का नाम हो गया है अब स्वराज द्वीप। नील आइलैंड जो था उसका नाम हो गया शहीद द्वीप, और जो रॉस आइलैंड था उसका नाम हो गया चंद्र बोस द्वीप। अब बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।